जनस्वगौर मंच के सभी साथियों को मेरा पुनः नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कल बता ही दिया था कि जनस्वगौर मंच एक नई पहल की शुरुआत कर रहा है, जिसमें टोंक के युवा कलाकारों के बारे में हम जानेंगे, उनके काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे, उनका अनुभव जानेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है एक युवा रंगकर्मी फिरोज आलम। तो फिरोज, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आप अपना परिचय बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, किसकी पढ़ाई करते हैं, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार के सभी सदस्यों का नमस्कार और रवि का भी शुक्रिया और इस तरह के कार्यक्रम रखे। इसके बाद देव सर का शुक्रिया जो इस तरह से हम लोगों को जोड़े रहते हैं। तो मेरा नाम फिरोज है, मैं बिहार से हूँ, छपरा जिला से। कुछ सालों बाद ही मैं इलाहाबाद आ गया था, जिसका अभी वर्तमान में प्रयागराज नाम है, और वहीं पे फिर मैंने अपनी सारी पढ़ाई की। कक्षा 5 से मैं इलाहाबाद में पढ़ाई की और 5, 6, 7 इंटर और ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद से ही किया। और रंगमंच से मैं 2014 में जुड़ा था। 2014 में जब मैं इंटर में था, तभी से रंगमंच जुड़ गया था। अच्छा, तभी से लेकर अभी तक मैं पढ़ाई के साथ साथ रंगमंच भी कर रहा हूँ। कुछ बताएंगे कि आपकी रंगमंच से आप कैसे जुड़े, कुछ घटना, कुछ कारण हो रंगमंच से जुड़ने का? उसका कारण है क्या है कि हमारे गांव में मतलब कि टीवी जब चलती है तो कम ही लोगों के घर में टीवी होती है। तो जब भी टीवी चलती थी किसी दूसरे के घर, तो मैं भी दौड़ चला जाता था देखने के लिए। तो वहां से फिर मैं सोचता था कि काश मैं भी टीवी पे होता। और वहां से आपकी इच्छा बनी कि मैं भी टीवी पर आऊं। हाँ, टीवी पर आऊं जी, मैं भी हीरो बनूं। तो हीरो बने, लोग मुझे भी देखे, मेरे घर वाले देखे। अच्छा, मेरे पास भी नाम हो, नाम है ना, हर कोई बच्चा जाने लगे। तभी से मैं प्लानिंग में था कि भाई मुझे टीवी पे आना है, टीवी पे आना है। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आपने ये सपना देखा? ये लगभग 7 साल। 7 साल, 8 साल की उम्र रही होगी। बहुत कम उम्र में आपने बहुत बड़ा सपना देख लिया। हाँ, तो लगभग उसके 5-6 साल बाद तक भी मुझे नहीं पता था कि जाते कैसे हैं इसमें। तो मैं जब 12th में था, कक्षा 12 में, तो मेरा एक रूम पार्टनर था, वो रंगमंच करता था। अच्छा, तो उससे प्रभावित हुए आप? हाँ, मैं उससे प्रभावित हुआ। और मैं कि उसके पहले मैं बहुत सारे काम करता था। अच्छा, किस तरह के काम, थोड़ा बताएंगे? पढ़ाई के साथ साथ मेरा जो सबसे मेन उद्देश्य था वो पैसा था, कि मैं पैसे कमाऊँ पहले, तो ढेर सारे। तो उसके लिए मैं बहुत सारे काम किया, जैसे कि मोबाइल का काम हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग। अच्छा, और गाड़ियों की रिपेयरिंग। अच्छा, और पेपर बांटना सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, शादी ब्याह में जो खाना बनाने उसमें काम करता था। तो पैसे काफी सारे मैं कमा लेता था। मेहनती रहे आप? हाँ, अपने हिसाब से मैं काफी कमा लेता था। फिर मेरे रूम पार्टनर ने कहा कि ऐसे फुटकर में इधर से उधर 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 काम करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ तय होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, फ्यूचर में क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, भविष्य में क्या करना है। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे समझे में नहीं आता मैं क्या करूँ। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा होगा। हो रहा था। अच्छा, लेकिन हाँ, इतना पक्का था कि मेन उद्देश्य पैसा है, पैसा। हाँ, तो फिर उसने कहा कि मैं जो करता हूँ वो कर लो,
उस समय वो थिएटर करते थे, आप पढ़ाई करते थे। उस समय वो थिएटर करता था और मैं पढ़ाई करता था। तब फिर मैं कहा कि ठीक है करते हैं। तो जो जहाँ वो थिएटर करता था, जिस समूह में करता था, फिर मैं वहाँ जाने लगा। हाँ, उसका फिर मैं वहाँ गया। पहले तो गया, बैठा कई दिन, लगभग कई दिन तक, महीने भर मैं बैठा रहा, लोगों को देखता रहा कि लोग कर क्या रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे समझ में आ रहा था कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो हीरो बनना है, है ना? अच्छा। हाँ, इसमें तो कोई देखेगा नहीं। फिर धीरे धीरे वो उससे कई सारी बातें भी होती थी मेरे पार्टनर से, कि थिएटर क्या है, अगर तुम थिएटर कर रहे हो तो तुम बाहर भी जा सकते हो, मुंबई भी जा सकते हो, और जो तुम बोल रहे हो हीरो बनना है वो भी कर सकते हो, है ना? तो वो सब थिएटर से ही होगा। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तभी से मेरे थिएटर की शुरुआत हो गई थी और तब से लेकर मैं आज तक कर रहा हूँ। लगभग आपका ड्यूरेशन कितना होगा थिएटर आप जब से कर रहे हैं अब तक का? ये लगभग 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, काफी समय। 5 साल एक छोटा मोटा समय अंतराल है, काफी ज्यादा। अभी आप वर्तमान में टोंक में थिएटर कर रहे हैं? हाँ, टोंक में भी थिएटर कर रहा हूँ। तो आप टोंक में थिएटर कर रहे हैं, तो थिएटर की, वहाँ के थिएटर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि आप किसके साथ रहकर थिएटर कर रहे हैं, किस कोई संस्था, कोई ग्रुप, कोई उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई मेंटर हो कोई? टोंक में मैं राजकुमार रजक के साथ मिल रहे हैं। राजकुमार जी के बारे में क्या, जब मैं थिएटर में जुड़ा था 2014 में, और मेरे जुड़ने के लगभग 1 साल बाद ही मैं जब थिएटर के डीप में जाने लगा, तो मुझे कई सारी चीजें समझ में आने लगी कि वास्तव में थिएटर होता क्या है, और कई सारे लोगों को मैं जानने भी लगा। कई लोग जो अलग अलग लोग अलग अलग समूहों में ग्रुपों में थिएटर करते थे, कई सारे लड़कों को जानने लगा। अच्छा, मतलब आपकी जान पहचान होने लगी थिएटर के बारे में, आप जानने लग गए। हाँ, तो ऐसे ही मुझे भनक लगी थी कि कोई राजकुमार है अच्छा जो थिएटर करते हैं। और कई सारे ऐसे मेरे थिएटर के दोस्त थे जो कहते थे कि काम तो राजकुमार सर के साथ एक बार करना ही करना है। अच्छा, मतलब आपने किसी ने रेकमेंड किया था कि आप एक बार राजकुमार जी के साथ भी काम करके देखे? नहीं नहीं, जो लोग काम करते थे ना थिएटर में जी, वो लोगों का कहना था कि मैं एक बार राजकुमार सर के साथ काम करता हूँ, करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप थिएटर करते हो तो आप राजकुमार जी के बारे में अगर जानते हैं, तो आपकी भी इच्छा थी कि एक ना एक बार राजकुमार सर के साथ काम करूं। अच्छा, आपके मन में इच्छा जगी कि मैं भी राजकुमार जी के साथ थिएटर करूं, भी सर एक काम करूं। तो उनके नाम इलाके में कई सारे लोग मिलते हैं, तो मेरी भी इच्छा जगी कि आखिर राजकुमार है कौन, कुछ तो खास होगा जो सिखाते होंगे। मैंने फिर मेरा भी था कि हाँ मैं भी सीखूंगा राजकुमार जी के साथ। तो हमारे समूह में एक भैया है, दीपक नाम है उनका। अच्छा अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले दीपक? वो भी इलाहाबाद के ही है। अच्छा, लोग आपके पास में आसपास? हाँ, आसपास के ही। तो वो राजकुमार जी को पहले से जानते थे। अच्छा, वो राजकुमार जी से पहले से जुड़े हुए थे? मतलब हाँ, जुड़े हुए थे, उनके साथ काम करते थे। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने कहा, दीपक भैया ने कहा कि राजस्थान में एक वर्कशॉप है कलारी पैटियो की। अच्छा, और इसे राजकुमार सर करवा रहे हैं। अच्छा, तो अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। अच्छा, मतलब आप एक ऑफर मिला? हाँ, मुझे एक ऑफर मिला। तो हालांकि मैं दो चीजों से लेकर बहुत ज्यादा गदगद हो गया था। पहला तो ये कि राजकुमार सर के साथ काम करने को मिलेगा, और दूसरा ये कि मुझे कलारी पैटियो सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर 2017 में टोंक में आया। लगभग तभी से मैं टोंक में रंगमंच कर रहा हूँ। उनके साथ क्या सर? एक ग्रुप है टोंक में, कम्युनिटी थिएटर टोंक नाम से। अच्छा, उसी में कुछ थिएटर के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। तो फिर वो जो आप कुछ बताएंगे कि थिएटर में क्या क्या होता है, किस तरह तरीके का काम होता है, मतलब कि उसमें किस प्रकार का काम होता है, हमें कुछ बताएंगे आप? थिएटर में
सोशल इश्यूज पे काम होते हैं सर, सामाजिक मुद्दों। अगर आसपास आपके कोई घटनाएं घट रही है, अगर आपके मन में कुल बुलाहट हो रही है उस घटना को लेकर, और अगर आप थिएटर करते हैं तो आप उसके प्रति खड़े हो सकते हैं, है ना, थिएटर के जरिए, नाटक को तैयार करके, है ना। कुछ बताइए कि नाटक को तैयार करने की प्रोसेस है, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, किस नाटक को तैयार करने में कोई और भी उपविभाग हो, कुछ और भी काम हो जो नाटक को तैयार करने में मदद करते हो, नाट्य निर्माण में कुछ ऐसी कोई, जैसे कि आप कुछ आप कुछ काम करते हैं, जैसे आप मटकी बनाते हैं तो उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसको पीटने के लिए उस औजार की आवश्यकता होती है, ऐसे कुछ बताइए ना कि थिएटर में क्या क्या काम होता है, किस तरीके का काम होता है। जैसे आप नाट्य निर्माण बता रहे हैं तो नाट्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह का काम होता है, कौन कौन से जो उपभाग है जो उसको नाट्य निर्माण को पूरा करने में मदद करते हैं। इसमें तो सबसे पहला तो एक तो होता है निर्देशक, निर्देशक को नाटक तैयार करना है, निर्देशक आ गए, निर्देशक जी। उसके बाद आते हैं फिर कलाकार, एक्टर, अभिनेता, अभिनेता जी के साथ मुझे काम करना है। अच्छा, है ना। और इन दोनों वो जो मुझे करना है, जो काम करना है, उसके लिए जरूरी होता है एक मुद्दा, मुद्दा है ना। और चीज होती है कि नाटक तैयार करने में अगर लाइट की आवश्यकता है तो आपको लाइट की काम पड़ते हैं, यानी कि प्रकाश, प्रकाश। आप वेशभूषा का प्रयोग होता है, कॉस्ट्यूम का प्रयोग होता है, एक स्क्रिप्ट बनती है उसके लिए, कहानी, पटकथा बनती है, कहानी बनती है उसके लिए कि हमें नाटक किस मुद्दे को जब शुरू करना है, किस मुद्दे को, तो उसकी शुरुआत क्या होगी, बीच क्या होगा, अंत क्या होगा। अच्छा, मतलब सब कुछ डिसाइड होता है कि कहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा। और एक ये है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, अच्छा, ऑडियंस को, दर्शकों को दिखाना क्या चाहते हैं, वो मेन फोकस में रहता है, है ना। और भी कुछ बाहरी चीजें होती हैं, जैसे कि नृत्य होता है, डांस ग्रुप और डांस होता है, म्यूजिक होता है, संगीत होता है, उसमें भी दो तरह की होती है, एक तो लाइव की, नाटक के में जहाँ जरूरत है म्यूजिक की वहाँ हम गा सकते हैं, एक सिंगर होता है उसके लिए वो गा सकता है, और दूसरा ये कि हमें किसी साउंड की जरूरत है तो हम उसको रिकॉर्डिंग में बजा सकते हैं, उसकी जरूरत होती है। और अगर आपको कुछ नाटक में कुछ डिजाइन करना है तो उसके लिए सामानों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आप एक दरवाजा बनाना चाहते हैं तो एक दरवाजे के लिए लकड़ी चाहिए, बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, उसको भी बनाने के लिए एक कलाकार चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को प्रॉप्स में रखा जाता है, नाटक की प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स, हाँ, नाटक की प्रॉप्स रखा जाता है। तो ये सारे चीजें मिलकर एक नाटक बनता है, लगभग 45 मिनट, एक घंटा, 70 मिनट तक का। उसके पहले हम जिस मुद्दे को उठाते हैं उस मुद्दे पर पूरे समूह में चर्चा होती है, महीनों महीनों पर चर्चा होता है कि आखिर जो मुद्दा हम उठाए हुए हैं वो मुद्दा है क्यों सोसाइटी में, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बाल विवाह की बात करूं, बाल विवाह, हाँ, तो आखिर वो मुद्दा अभी सोसाइटी में क्यों है और वो कब से चला आ रहा है और लोगों की मानसिकता क्या है इस बाल विवाह को लेकर, अच्छा, है ना, और वो कैसे खत्म हो सकता है, अच्छा, इन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होता है, वो प्रथाएं, मान्यता, परंपराएं क्यों है, कैसे है, कैसे खत्म होंगी, इन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होता है बकायदा महीने भर तक। कुछ उदाहरण देकर बताएंगे कि आपने कोई ऐसा नाटक बनाया हो जो समाज में उससे संबंधित कोई मुद्दा हो, जैसा आप बता रहे हैं कि बाल विवाह हो, बाल विवाह से संबंधित कोई नाटक हो, छुआछूत से संबंधित, ऊंच नीच से संबंधित, कोई भेदभाव, स्त्री पुरुष
इसको लेकर कोई आपने अब तक के रंगमंच में किसी तरह का नाटक किया हो तो आप उसका अनुभव में बताइए कि आपने कोई नाटक किया हो तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। तो मैंने लगभग 2015 में इलाहाबाद में जब मैं रंगमंच करता था तो उस समय मैंने एक नाटक किया था ओरी चिरैया नाम से। ओरी चिरैया, हाँ, वो था भ्रूण हत्या को लेकर था। भ्रूण हत्या, हाँ, कि बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता था। बच्चे को स्पेसिफाई करी जैसे कि लड़का लड़की लड़की ज्यादातर लड़की अगर मालूम पड़े कि वो लड़की है जो पल रही है पेट में तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था या फिर उसके जन्म के तुरंत बाद ही उसको मार दिया जाता था। तो इसको लेकर हम लोगों ने 2015 में नाटक किया था ओरी चिरैया नाम से। अच्छा, तो और कुछ बताना है? और कुछ ऐसे नाटक जो सामाजिक मुद्दों को कटाक्ष मारते हो, कुछ कहते हो, अपनी बात रखते हो समाज के भीतर? जब नाटक होता है तो ओवरऑल सामाजिक मुद्दे को ही लेकर होता है। तो ऐसे समाज में और भी मुद्दे हैं, जातिवाद है, भेदभाव है, महिला पुरुष है, ऊंच नीच है, काला गोरा है, ऐसे और भी मुद्दों पर आपने कभी कुछ नाटक किया है या नाटक निर्माण में कोई भाग लिया है या कुछ किया? अभी हम लोग 2019 में हम लोग कर रहे थे नाटक ज्योति नाम से। जी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? वो बाल विवाह को लेकर है। बाल विवाह को लेकर अगली मेरी जल्दी जल्दी शादी। हाँ, जल्दी कम उम्र में बच्चों की शादी कर। अच्छा, कुछ बताएंगे उसके बारे में? तो उसको हम लोग राजस्थान में ही अभी किए हैं। वो जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो बाल विवाह को लेकर मुद्दे को लेकर है, उसको हम लोग स्कूलों में जा जाकर करते थे। कहीं अगर सोसाइटी अगर दिख जाए, मतलब सोसाइटी में भी जा जाकर करते हैं लोगों के सामने, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि बाल विवाह क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना, इसका क्या क्या हानि है, क्या क्या नुकसान है। तो आपने बाल विवाह जो कि एक सामाजिक मुद्दा है, एक कुप्रथा है, कहेंगे कुप्रथा है, मान्यता है, तो उसको उससे लोगों को जागरूक करने के लिए आपने उस नाटक को बनाया, आपके समूह ने नाटक निर्माण किया, तो उस नाटक का दर्शकों पर किसी तरह का प्रभाव रहा या नहीं? प्रभाव तो जैसे कि किसी को नाटक को देखकर कोई प्रभाव पड़ा हो उस समय जिस समय हम नाटक करते थे, जिस भी दर्शक को समझ में आता था कि हाँ ये बालिका गलत है, तो वो उसी समय रिएक्शन करता था। अच्छा, रिएक्ट करता था कि हाँ आप लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा, है ना, ये बहुत गलत है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने सोसाइटी में इसको खत्म करने की। अच्छा, अब हम लोग जागरूक होंगे इसके प्रति, अब हम लोग नहीं करेंगे बाल विवाह, है ना, जो लड़का या लड़की की जो इच्छा है, जो उनके सपने हैं, उनको ध्यान में रखेंगे, उनको लेकर चलेंगे जी। और जब उनकी मर्जी होगी तभी हम लोग उनकी शादी करेंगे। और दूसरा ये कि कई सारी बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ती हैं, हम लोग स्कूलों में भी जैसे बताया कि शो करते थे स्कूलों में, मतलब कि किस तरह की, मतलब कि सरकारी या प्राइवेट दोनों ही स्कूल, दोनों प्रकार के स्कूल, दोनों प्रकार के स्कूल हम लोग करते थे, तो कई सारी बच्चियां उठ खड़ी होती थी उसके लिए, है ना, विरोध में खड़ी होती थी कि ये विरोध में खड़ी हो जाती थी कि नहीं ये गलत है, मालूम गलत है, है ना, और उसके प्रति आवाज उठाती थी। अपने घर वालों को कई सारी बच्चियां समझाई भी हैं कि मुझे बाल विवाह नहीं करना चाहिए। एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, टोंक के आसपास का ही है। अच्छा, तो हनुम एक स्कूल था, उसमें एक बच्ची पढ़ती थी और उसी स्कूल में उस बच्ची की माँ काम करती थी। अच्छा, काम करती है अभी भी, मतलब खाना बनाने वाला, खाना बनाने भाई जी के काम करती है। तो जब उस बच्ची ने उस नाटक को देखा तो जैसे कि बताया कि पॉजिटिव जो चीजें जाती हैं लोगों में सकारात्मक बदलाव के लिए, तो नाटक खत्म होने के बाद उस बच्ची ने अपनी माँ को बकायदा जाके बताया कि अभी नाटक जो चल रहा था उसको मैंने देखा और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, जबकि उसकी शादी लग चुकी थी।
शादी तय हो चुकी थी। अच्छा, कम उम्र में उनकी शादी तय हो चुकी थी, 15 साल की थी वो। अच्छा, उसने तुरंत जाकर बताया कि मैं शादी नहीं करूंगी, अगर अगर आप लोग जबरदस्ती करोगे तो फिर मैं विरोध करूंगी, पुलिस वालों के पास जाऊंगी, या फिर जिससे भी मदद मिल सकती है मैं उसके पास जाऊंगी। तो ये आपने कहा कि ये जो नाटक किया बाल विवाह के ऊपर, तो उसका एक सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिला कि आपने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ को समझा रही है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो ऐसा बहुत सारे नाटक है, जैसे कि एक नाटक हम लोगों ने इलाहाबाद में किया था खूनी बैसाखी को लेकर, खूनी बैसाखी नाम से, बताएंगे खूनी बैसाखी के बारे में, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर नाटक है। तो किस तरह से लोगों को मारा गया, जैसे तो कई सारे लोग भावुक हो जाते थे। फिर नाटक खत्म होने के बाद जब बातचीत होती थी तो कई सारी बातें होती थी लोगों से, हाँ जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत दर्द सहे हैं, हमें उन सबको समझना चाहिए, और वो सारी चीजें ही हैं हमारी आजादी के लिए, इंसानियत के लिए, इसको हमें अब कायम रखना चाहिए, किसी भी नाटक को देखने के बाद। और भी कुछ बताना चाहेंगे और भी नाटकों के बारे में, जैसे आपने कहा कि जलियांवाला बाग के बारे में बताया आपने, एक और हम लोगों ने नाटक किया था शहादत हसन मंटो की, टोबा टेक सिंह नाम से कहा था वो नाटक, जब बंटवारा हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बाद का है, उसके बाद के जो माहौल था, उसके बाद नाटक है, जब ये तय हुआ भारत के जो लीडर थे उन्होंने तय किया कि जो हिंदुस्तान के पागलखाने में जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तानी है उनको वहाँ भेज दिया जाए, और जो पाकिस्तान के पागलखाने में लोग हैं तो जो हिंदुस्तानी है उनको हिंदुस्तान में भेज दिया जाए। तो इसको लेकर शाहरुख़ मंटो ने कहानी लिखी है टोबा टेक सिंह, उसी को हम लोगों ने नाटक रूपांतरण किया, उस कहानी को आपने नाटक के रूप में, हाँ अच्छा किया था। तो जब वो होता है, जब इधर के पागल लोगों को इधर हिंदुस्तान भेजा जाता है और हिंदुस्तान के पागल लोगों को पाकिस्तान भेजा जाता है, तो उसमें एक टोबा टेक सिंह नाम का व्यक्ति होता है। अच्छा। वो जब जाता है तो वो मतलब किस तरह पूछता है लोगों से कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, है ना। क्योंकि जब वो पागल होने के पहले का जो उसका समय था, उस समय वो बंटवारा नहीं हुआ था, तो उसी में वो इधर उधर करता रहता है। अच्छा, मानसिक रूप से वो कहता है कि हिंदुस्तान तो ये भी है, हिंदुस्तान तो ये भी है, है ना, पाकिस्तान ये भी है, पाकिस्तान ये भी है, आखिर ये बीच में जो बॉर्डर आया है वो कब आ गया, हिंदुस्तान के बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है वो उसी में गिर जाता है। अच्छा। उसी में गिर जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी को लेकर एक नाटक है, उसका एक डायलॉग भी है पंजाबी में, वो पंजाबी होता है। अच्छा। उसका मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो है ऐसे कि ऊपर दी गड़बड़ दी एनएक्स दी बिटिया मूंग दी लालटेन टोबा टेक सिंह पीछे में। और भी कुछ नाटकों के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे आपने बालिका के लिए बताया, अलगाववाद के लिए बताया, तो बस एक सिंह के बारे में बताया, कोई और भी नाटक आपकी नजर में जिसको आपने
परफॉर्म करके प्रस्तुति देकर कुछ देखा हो, लोगों में कुछ बदलाव देखा हो, कोई सामाजिक मुद्दे पर उसका जो उस कुछ सामाजिक मुद्दों पर वो नाटक बना हो? एक हम लोगों ने एक और नाटक है राजकुमार रजक के द्वारा तैयार किया हुआ है, उनके निर्देशन में एकलव्य, एकलव्य तो वो जाति की जो उसमें द्रोण होते हैं वो द्रोण वो ऊंची जाति के होते हैं, जो एकलव्य होता है वो नीची जाति का होता है, और द्रोण नहीं चाहते उसको एजुकेशन एजुकेट करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, है ना, क्योंकि वो फिर द्रोण के मर्यादा पे उनकी प्रतिष्ठा पे सवाल खड़ा हो जाता है, ऐसा उनका मानना है, इसलिए वो उसको नहीं देते हैं एजुकेशन, एजुकेट नहीं करते हैं। मतलब किस तरह की, मतलब बताएंगे वो किस तरह के एजुकेशन के लिए द्रोण से बात कर रहे थे? हाँ, एकलव्य एक धनुर्धर बनना चाहते थे, धनुर्धर बनना चाहते थे। वो जंगल में ऐसे सीखते हैं तो उनको अर्जुन मिलते हैं जंगल में, वो काफी प्रभावित होते हैं अर्जुन से, उनकी तीरंदाजी से काफी प्रभावित होते हैं, तो इसलिए वो सीखना चाहते थे। इनका गुरु कौन है, इनका गुरु से सीख रहे हैं, प्रभावी कौन है, आखिर कौन है जो इतना सटीक तीरंदाजी कर सकता है या फिर सिखा सकता है, मैं भी उनसे सीखूंगा। तो फिर अपने पिताजी से बात करते हैं, एकलव्य अपने पिताजी से बात करते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ द्रोण है जो सिखाते हैं, तो वो उसके एकलव्य के पिताजी बोलते हैं कि नहीं तुम द्रोण के पास ना जाओ तो ही सही है, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा गुरु खोज सकता हूँ, तो वो नहीं मानते हैं क्योंकि उनके पिताजी को पता है कि वो द्रोण उनको नहीं सिखाएंगे जी, उनके अलग मान है, मर्यादाएं हैं, प्रतिष्ठाएं हैं, उनकी अलग परंपराएं हैं, लेकिन एक लव्य जिद पकड़ के रहते हैं कि मुझे तो उन्हीं से सीखना है, तब फिर वो जाते हैं द्रोण के पास जी, बातचीत होती है, वो साफ मना कर देते हैं और ये मैं नहीं सिखाऊंगा, है ना, वो मतलब कि किस लिए मना करते हैं कि मैं नहीं सिखाऊंगा, कि कुछ बताएंगे? वो इसीलिए मना कर देते हैं क्योंकि एकलव्य जो है वो उनके बराबरी का नहीं है, अच्छी जाति का नहीं है, उनके स्तर का नहीं है, और वो अगर एकलव्य को सिखाएंगे तो उनके मर्यादाओं को, उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होंगे, इसलिए वो नहीं सिखाते हैं और उनको एकलव्य को वापस कर देते हैं। अच्छा, लेकिन एकलव्य भी है, जब ठान लिया है तो ठान लिए जी, है ना, वो जंगल में जाते हैं और द्रोण की मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर ही फिर वही जंगल में ही सीखते हैं। अच्छा, खुद से ही सीखते हैं। ये बात जब द्रोण को पता चलती है कि कोई उनका मतलब कि ये कि कोई शिकारी कुत्ता होता है द्रोण के ही राज, द्रोण का ही शायद, वो आता है जंगल में, तो एकलव्य उनको निशाना करते हैं और उसको मार देते हैं। जब ये बात द्रोण को पता चलती है तो वो जंगल में आते हैं और ये जानने के लिए कि आखिर कौन है जिसने शिकारी कुत्ते को मारा है और इतना सटीक मारा है। तो जब आते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये एकलव्य है, ये वही है जिसने, जिसको मैंने मना किया था शिक्षा देने से, वही है, और ये किस तरह से शिक्षा ले रहा है, जब द्रोण को ये पता चलती है कि ये मेरी ही मूर्ति बनाकर शिक्षा ले रहा है जी, तब फिर वो दक्षिणा के रूप में एकलव्य से बोलते हैं कि तुमने मेरी मूर्ति बनाकर शिक्षा ली है तो मुझे दक्षिणा चाहिए, तो इसके लिए तुम मुझे अंगूठे दोगे, अंगूठा, हाँ, दक्षिणा के रूप में अंगूठा देंगे। हाँ, तो इसके पीछे भी रीजन होता है कि जब वो नहीं सिखाना चाहते थे द्रोण, लेकिन फिर भी वो इतना धनुर्धर बन गया एक लम्बे, तो एक ही जरिया है इसको, मतलब कि इसके जो दिखाने का और इसके जो धनुर्धर वाली टेक्निक है, कुछ पता है? अच्छा, मतलब ऐसा गुरु द्रोण क्यों कर रहे थे, कुछ बताएंगे कि
वो नहीं कि वो सबसे जो श्रेष्ठ धर्मधर था उनकी नजर में वो अर्जुन ही था, अर्जुन अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धर्मधर बनाना चाहते थे इसलिए उनकी नजर में था जी जी ठीक है। लेकिन एकलव्य सीखते सीखते अर्जुन से भी श्रेष्ठ धर्मधर बन चुका था, द्रोण को ऐसा लगा कि एकलव्य से भी अधिक बन जाएगा, अधिक श्रेष्ठ बन जाएगा, तो इसलिए अर्जुन को जिताने के लिए ही द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, तो उसने एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो अपने जो धनुर्धर बनने की प्रक्रिया है, आपके कहानी में ऐसा किया गया है क्या, आपके एकलव्य ने गुरु द्रोण को अंगूठा दिया हो या फिर नहीं दिया हो कुछ बताएंगे क्या आपके नाटक में? नहीं, एकलव्य के जो तैयार किया हुआ नाटक है जी उसमें एकलव्य नहीं देता है। अच्छा, आपका एकलव्य अंगूठा नहीं देता, नहीं देता है जी। नाटक के आखिर में एक सवाल खड़ा करता है जो सभी के लिए है जी, ऐसी गुरु दक्षिणा क्यों, ऐसी गुरु दक्षिणा क्यों, उसी सवाल के साथ वो नाटक खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब ये नाटक कुल मिलाकर भेदभाव के कुछ ऊपर जाति जातिवाद के ऊपर आधारित है। और भी कुछ बताना चाहेंगे कुछ नाटकों के बारे में तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिरोज ये बताइए कि आप जब ब्राह्मण से जुड़े तो आपने आपका देखने का नजरिया, मतलब कि समाज को देखने का नजरिया कैसा था, और रंगमंच के जुड़ने के बाद समाज को देखने का नजरिया कैसा है, आपके कुछ बताएंगे कि आप में किस तरह का बदलाव आया आप में, कि आप एक बोलचाल में, आपके रहन सहन में, कुछ आपके साथ कुछ पढ़ाई वढ़ाई में, कुछ उसमें आपकी जो योग्यता है, आप में जो एबिलिटी, आपकी कुछ एबिलिटी होगी उसमें कुछ बदलाव आया हो, कुछ रंगमंच का कुछ सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हो, आपके जीवन के ऊपर पड़ा हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं आया था, जब मैं जो मेरा सपना था हीरो बनने का जी, तो मेरा बस वही सपना था हीरो बनने का, हीरो बनने के लिए आप थिएटर में रंगमंच में आए, मतलब हीरो बनना है था मुझे ये पता था, कैसे बनना है क्यों बनना है ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम था जी। जब मैं थिएटर में जुड़ा 2014 में कक्षा 12 में, तो एक जो रीजन था मेरे साथ कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई में आपका मन नहीं था, इसलिए मैं थिएटर से जुड़ा, थिएटर से जुड़ा, कम से कम पढ़ाई छूटे, कम से कम पढ़ाई छूटे आप थिएटर में, हाँ इसलिए मैं थिएटर करने लगा। अच्छा, लगभग 7 वर्ष तक मैं नॉर्मल था, जैसे आम जिंदगी में मैं पहले जीता था 2014 के पहले, 7 वर्ष तक वही था। 7 वर्ष के बाद जब मैं थिएटर को और भी गहराइयों से जानने लगा, थिएटर के अंदर आप और भी अपनी जोड़ने लगे, उससे आप अपनी भावना को जोड़ने लगे, गहराइयों को समझने लगे, थिएटर को जानने लगे, होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, समझने लगे, थिएटर की जो प्रक्रिया है उसको समझने लगे आप, थिएटर की प्रक्रिया को समझने लगे, और थिएटर होता क्यों है ये जब धीरे धीरे समझ में आने लगा, तब फिर जो मुझे पहले की मानसिकता थी उसमें कुछ बदलाव आए। जैसे कि अगर कहें तो जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको द्रोण वाली जी, जातिगत भेदभाव वाली, तो थिएटर के जुड़ने से पहले जो मेरे दिमाग में था वो यही था कि द्रोण सही कर रहा है, द्रोण सही कर रहा है क्योंकि उसकी भाई उसकी प्रतिष्ठा की बात है जी, नहीं देना चाहता है मतलब नहीं देगा जी जी, सीधी सी बात है ना। इस सोच के पीछे मेरा कोई सवाल नहीं था, आप मानते थे मतलब जो आप लोग मानते थे आप उसको मानते, हम भी वही मानते थे। जैसे कि बाल विवाह में मैंने बात किया आपसे, तो ये था कि हाँ भाई जो प्रथा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है वो सही तो है ना, आखिर हमारे दादा ने ये रखा है, दादा परदादा ने परंपरा बनाई है, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, कुछ कारण होगा इसको बनाने के पीछे जी, बस इसी को लेकर मैं साथ चलता था जी ना, क्योंकि इसके पीछे मेरे पास कोई सवाल नहीं था कि क्यों है क्यों नहीं है, बस आप बस हां फिर कैसा बने कि लोग मानते तो नहीं मानता, हां नहीं मानता। लेकिन जब मैं थिएटर से जुड़ा तब मुझे मालूम, तब मैं हालांकि घटनाएं तो सेम ही थी थिएटर में जुड़ने के बाद भी, थिएटर में जुड़ने से पहले ही बाल विवाह होता था तो होता था, जातिगत भेदभाव होता था तो होता था है ना, लेकिन थिएटर के बाद फिर वो जो सवाल आने लगे मेरे साथ
कि आखिर जातिगत भेदभाव होते ही क्यों है, है ना, से क्या नुकसान होते हैं, है ना, नुकसान ये सब जब मैं समझने लगा अच्छा, तब फिर मेरा नजरिया भी बदलने लगा, आपका नजरिया बदलने लगा, नजरिया बदलने लगा, सोचने का तरीका बदलने लगा, आपकी मानसिकता में मानसिकता क्या है कि आपके व्यवहार में भी बदलाव आया, हाँ, सोच विचार में बदलाव आया, मैंने बताया कि मैं थिएटर में इसलिए आया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, लेकिन थिएटर में जुड़ने के बाद लगभग 2 सालों के बाद ही मुझे ये एहसास होने लगा कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए कि किसी भी मुद्दे को जानने और समझने के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी, हाँ, जैसे कि एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, मतलब कि वो नहीं कि आप एक लेवल का ग्रेजुएशन ले लिए, वो नहीं, आपको निरंतर पढ़ते रहना है, अच्छा, निरंतर पढ़ते ही रहना है, जैसे कि बाल विवाह के मुद्दे पे अगर नाटक तैयार करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि आखिर बाल विवाह हुआ कब से है, कब से शुरुआत कब से हुई, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी, सोसाइटी को बारे में लेकर पढ़ना हो जी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समाज को समझना, समाज को समझना पड़ेगा, उसके माहौल को, लोगों की मानसिकताओं को समझना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर मैं नाटक बना पाऊंगा या फिर नाटक में हिस्सेदारी ले पाऊंगा, फिर आपको एहसास हुआ कि पढ़ना बहुत जरूरी है रंगमंच करने के लिए, ऐसा कुछ कुछ लिमिटेशन भी है क्या कि आपको किसी चीज में जाना है तो उसके लिए कुछ तय हुआ कि इतना तो आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा? हाँ, जैसे कि नॉर्मली है, जैसे कि कोई नौकरी अगर आपको चाहिए तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, रंगमंच के लिए भी, रंगमंच के लिए भी है, कई सारी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम से, तो उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, अच्छा, और उसी के साथ आप 6-7 नाटकों को किए हो, उसके अनुभव हो आपके पास, वो होना जरूरी है ना, तो रंगमंच की पढ़ाई करने के लिए भी हाँ स्कूल है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, और ये बाहर भी विदेशों में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो विश्व मतलब विश्व स्तर का रंगमंच स्तर पर होता रहता है, रंगमंच हर जगह होता है, अच्छा, पर सकता यही है कि अगर हम मैकेनिकल का काम कर रहे हैं तो मुझे केवल मैकेनिकल के बारे में ही पता है जी, है ना, मैं अगर कोई मुझसे पूछे मैकेनिकल के बारे में तो मैं उससे सारी चीजें साझा कर सकता हूँ, हर चीज बता सकता हूँ कि भाई कि गाड़ी का जो लाइट होता है वो कहाँ मिल सकता है, अच्छी क्वालिटी का कहाँ मिल सकता है, या फिर विदेशों में किस तरह की लाइट मिलती है, मेरे पास जानकारी होंगी उसके उसकी प्रति आपको नॉलेज होगी उसकी जानकारी, ठीक है, इसलिए मैं रंगमंच में अगर मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें की जानकारी होती है, अच्छा, कभी रखनी पड़ती है, तो बहुत सारे स्कोप है रंगमंच में, मतलब आपको जानकारियों का जो समूह होता है कि जानकारियों जो इस तरह से जानकारी को जो आप कहेंगी एक ही स्थान पर आपको अलग 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 विषयों अलग अलग जो क्षेत्र है उनके बारे में रंगमंच में आपको जानकारी मिल जाएगी, अच्छा जी, और कुछ बताना चाहेंगे कि रंगमंच को लेकर कोई अपेक्षा हो कि आप रंगमंच में किस तरह की अपेक्षा करते हो कि मैं रंगमंच की मैं आगे जाकर ये करना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, ये कि मैं बतौर रंगकर्मी मैं रंगमंच में काम निरंतर काम करना चाहता हूँ, कंटिन्यू है ना, और जैसे कि बताया है कि रंगमंच सोशल इश्यूज को लेकर होता है, कोई भी नाटक तैयार करना हो तो सोशल इश्यूज होना जरूरी, मतलब उसी पे ही होता है नाटक तैयार,
सामाजिक मुद्दों पर ही है ना, मतलब सामाजिक आर्थिक हर तरह के मतलब हर प्रकार के मुद्दों पर काम होता है। तो इसके लिए तो मैं निरंतर काम करता ही रहूंगा है ना। तो कुछ समाज को लेकर, रंगमंच को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, दोस्तों को लेकर कुछ आपकी कोई अपेक्षा हो कि मैं रंगमंच में ये करना चाहता हूँ और मैं आगे ये कर पाऊंगा, उससे लोगों में ये बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा, इसी तरह की कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद, कोई आस हो, कोई हो तो आपको? हाँ, यही है कि देखिए क्या है कि रंगमंच कर रहे हैं क्योंकि बदलाव लाना है, बदलाव के लिए आप रंगमंच कर रहे हैं, और जब तक बदलाव नहीं आता तब तक मैं रंगमंच करूंगा। ये है कि मुझे नहीं पता कि बदलाव कितना तेज आएगा या कितना धीमा आएगा, लेकिन जब तक बदलाव नहीं आता तब तक मैं रंगमंच करता रहूंगा और निरंतर कोशिश करता रहूंगा, हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि बदलाव आए, इक्वालिटी आए लोगों के बीच में, है ना, किसी तरह के भेदभाव ना हो। आप अगर अगर मैं आपके सामने हूँ तो आप मुझे समझ पाए, मैं आपको समझ पाऊँ, है ना, इस तरह के कामों के साथ मैं निरंतर ही आगे बढ़ पाऊँ, बढ़ता ही रहूँगा। जी जी, तो मैं आपसे कुछ एक सवाल है कि जैसे कोई रंगमंच करता है, किसी और प्रोफेशन में काम करता है, जैसे कि मैं टीचर हूँ तो टीचर में मुझे पढ़ाने के लिए मुझे कुछ आर्थिक मदद मिलेगी सरकार की तरफ से, तो जैसे कि आप रंगमंच कर रहे हैं तो रंगमंच के लिए कोई आपको किसी तरह की आर्थिक सहायता मिलती है कि कुछ लोगों से कुछ सहायता मिलती है, समाज से मिलती है, सरकार से मिलती है, कोई आप जो जिसके पास रंगमंच करते हैं वो किसी तरह की आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताना चाहें तो? हाँ, तो यही विषय जो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र किया था जी, उसमें 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का, वहाँ पे रहना, खाना पीना, आना जाना, अगर कहीं आपको कोई ट्रेनर आता है तो इन सब चीज़ों का खर्चा आपको वही विश्वविद्यालय ही देता है, ठीक है, और उसी के साथ आपको कुछ पेमेंट भी करता है, स्कॉलरशिप फेलोशिप कितना है, कुछ पेमेंट भी करता है आपको। उसके बाद आप अगर चाहें तो बाहर जाकर काम भी कर सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं, उससे आप कुछ अगर इनकम कर सके तो उससे भी कर सकते हैं, और एक जो तीसरा कि आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको कुछ देती है काम करने के लिए, कल्चर, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको काम करने के लिए पे करती है, उसके जरिए भी आपके पैसे किसी ना किसी प्रकार की आर्थिक सहायता तो मिलती रहती है। कुछ रंगमंच को लेकर कुछ ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती हो कि रंगमंच में ऐसा होता है, रंगमंच में ये नहीं होना चाहिए, कुछ हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां तो होती है, जैसे आप कुछ रंगमंच में कुछ कमियां बताना चाहे कि रंगमंच में ये कमी है, मतलब कि आप जहां करते हैं वहां की नहीं, कि जैसे रंगमंच में और लोग करते हैं कि किस तरह का भेदभाव करते हैं और कलाकारों के साथ उनके साथ कुछ भेदभाव करते हैं, किसी तरह का मतलब कि ये चाहे कि आप उनको उनको अवसर प्रदान नहीं करते हो, कुछ ऐसा माहौल कुछ आपने आपको कभी देखने को मिला? कई सारी संस्थाएं ऐसे हो सकती हैं, लेकिन मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन कई सारी संस्थाएं ऐसे हो सकती हैं, होती ही हैं, जो सब पॉलिटिकल टाइप से रहे होती हैं, पॉलिटिकल कि कुछ नए अगर नए कलाकार आए तो उनके प्रति अलग बिहेवियर होता है, जो पुराने हैं उनके लेकर अलग बिहेवियर होता है ना, और यही चीज़ कलाकारों में भी होता है कि मैं बतौर रंगकर्मी अगर 7 साल से काम कर रहा हूँ और कोई नया आता है तो इक्वालिटी के जगह पे मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ यार ये तो अभी अभी आया है, ये क्या करेगा, इस तरह की छोटी ही हैं, लेकिन हैं इन्हीं सब चीज़ों को खत्म करके हमें आगे बढ़ना है, मतलब ये सबको समान अवसर प्रदान कर रहे हैं, नया हो या पुराना हो, आप वहां पर बराबर हैं। हाँ, बराबर ही है, सीख मैं भी रहा हूँ, सीख आप भी रहे हैं, इसलिए हम जिस चीज को लेकर रंगमंच कर रहे हैं
अगर हम वही करें तो फिर हमारे रंगमंच करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इस तरह की चीजें तो मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ कि रंगमंच में आप रंगमंच में जैसे और भी आपने कहा कि बहुत सारे विभाग है, लाइट है, काश है, कॉप्स है, कॉस्ट्यूम है, तो रंगमंच में अभिनय है, तो रंगमंच में आप किसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, किसके अंदर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, कुछ आपकी कोई इच्छा हो कुछ बताना चाहेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं रंगमंच में? मैं रंगमंच में निर्देशक बनना चाहता हूँ। निर्देशक बनना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। निर्देशक जैसे कि निर्देशक मतलब कि आप कुछ बताएंगे निर्देशक क्यों बनना चाहते हैं कि आपको कुछ उद्देश्य हो कि मुझे तो ये करना है, इसके लिए मुझे ये करना है, कुछ इसके पीछे का कोई कारण हो सकता है कि आप मुझे निर्देशक क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत सारे हैं, जैसे कि बतौर निर्देशक अगर मुझे कोई नाटक तैयार करना है तो मुझे हर एक चीज देखनी पड़ेगी। जी, मैं जिस दिन से शुरुआत कर रहा हूँ उस दिन से लेकर जिस दिन मेरा नाटक खत्म होगा उस दिन तक की पूरी प्लानिंग मेरे पास होनी चाहिए, है ना। बाकायदा एक एक दिन एक एक घंटे का होना चाहिए, और अगर मैं नाटक में लाइट का इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी प्लानिंग मेरे पास होनी चाहिए, अगर मैं उसमें कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। अगर संवाद है कुछ तो मेरे पास उसका पटकथा होना चाहिए, है ना, स्क्रिप्ट होनी चाहिए मेरे पास, एक्टर होने चाहिए, ना उनके ऊपर काम करने का मेरे पास तरीका होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस एक निर्देशक हर चीज को देखता है। तो निर्देशक बनने की कोई जैसे कोई प्रक्रिया समझा सके आपकी, निर्देशक बनने के लिए इन प्रक्रिया से मैं गुजर रहा हूँ, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है? हाँ, छोटे छोटे जैसे कि दृश्य कारण सीन वर्क करते रहते हैं, सीन वर्क करते रहते हैं, और समर वर्कशॉप में बच्चों के साथ काम करते हैं, छोटे स्तर के बच्चों को समर वर्कशॉप में के साथ काम करते हैं, कुछ अपने समूह के साथियों के साथ भी काम करते रहते हैं, तो ये प्रोसेस है सीखने का, आगे बढ़ने का। जी, शुक्रिया फिरोज आपका, आपने हमारे साथ अपना रंगमंच का अनुभव साझा किया, जनसवार मंच के जो साथी हैं उनको उनके तक आपने अपनी बात पहुंचाई कि आपका रंगमंच का अनुभव कैसा है, रंगमंच में आपने क्या क्या देखा, रंगमंच से आपके अंदर किस तरह का बदलाव आया, और रंगमंच में आप आगे क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि रंगमंच में मैं एक डायरेक्टर निर्देशक बनना चाहता हूँ, तो आपको खूब बधाई हो आपके लिए। मैं आपके लिए क्या कहूँ कि आपके मैं दुआ करता हूँ कि दुआ और आपका साथ हेल्प करता हूँ, मतलब हेल्प तो क्या कि आप रंगमंच में आगे बढ़े और अपना सपना पूरा करें, निर्देशक बनने का जो सपना है आप उसे पूरा करें। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो साथियों, तो विदा लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए युवा कलाकार से। धन्यवाद।